नरगिस और संजय दत्त को तो सभी जानते हैं, लेकिन आज के समय के कम लोग ही संजय दत्त की नानी और नरगिस की माँ जद्दन बाई को जानते होंगे, जबकि जद्दन बाई अपने जमाने में बहुत बड़ी कलाकार थी। सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान नरगिस और संजय दत्त की तुलना में काफी अधिक और विविध आयामी था। इस वीडियो में आपको नरगिस या संजय दत्त के बारे में नहीं बल्कि जद्दन बाई के बारे में ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए संघर्ष और त्रासदियों से भरी जद्दन बाई की जिंदगी की अविश्वसनीय कहानी की तरफ। दोस्तों, फिल्म जगत में चाहे अभिनय की बात हो, डांसिंग की बात हो, गायन की बात हो, महिला अदाकार या कलाकार कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। लेकिन अगर बात की जाए संगीत निर्देशन में महिलाओं की, तो भारतीय फिल्म जगत में मात्र चार नाम सामने आते हैं। अनुराग कश्यप की बहुचर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासुपुर का संगीत देने वाली स्नेहा खालवलकर भारतीय फिल्म इतिहास की मात्र चौथी महिला संगीतकार है। उनसे पहले सिर्फ तीन और महिला संगीतकार हुई है, वे है जद्दन बाई, सरस्वती देवी और उषा खन्ना। 1945 का साल भारतीय फिल्म संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि इसी साल में न केवल हिंदी बल्कि भारतीय चित्रपट संगीत को पहली बार दो महिला संगीतकार मिल गई। साल 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाश ए हक का संगीत जद्दन बाई ने तैयार किया था, जिन्हें पहली महिला संगीतकार होने का गौरव प्राप्त है। इसके डेढ़ महीने बाद रिलीज हुई जवानी की हवा का संगीत सरस्वती देवी ने तैयार किया था। आज शायद ही कोई जद्दन बाई को जानता होगा, लेकिन अगर हम ये बताएं कि वह मशहूर अभिनेत्री नरगिस की माँ थी तो हर कोई पहचान लेगा। जद्दन बाई का पूरा जीवन आंसुओं और कह कहों, हंसी और रुदन, बे इंतहा हर्ष और अपार विशाल से भरा हुआ रहा। न केवल जद्दन बाई का बल्कि उनकी माँ का जीवन भी त्रासदियों से भरा रहा। जद्दन बाई की माँ का नाम दलिया था, जिनका जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोसवारा ग्राम में ठाकुर परिवार में हुआ। बचपन की कच्ची और मासूम उम्र में ही दलिया की भी शादी कर दी गई, मगर अभी कुछ ही समय बीता था कि विधाता ने बड़ी निर्दयता से उस मासूम की मांग का सिंदूर पूछ दिया। उन दिनों किसी हिंदू परिवार में किसी बालिका वधु का विधवा हो जाना क्या अर्थ रखता था ये सभी जानते हैं। पुनर्विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। ऐसी अभाग्यों को वैधव्य रूपी सामाजिक पारिवारिक अभिशाप जीवन भर भोगना पड़ता था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर वाले एक दिन दलिया को साथ लेकर बनारस के मेले में गए और मेले की भीड़ में उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। घर की चार दीवारी से पहली बार निकली बेचारी दलिया को कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। तभी कहीं बैठकर आंसू बहाती इस मासूम लड़की पर एक आदमी की गिद्ध दृष्टि पड़ी। यह व्यक्ति वेश्याओं से कारोबारी संपर्क रखता था। भूली भटकी लड़कियों को भगाकर वेश्याओं के हाथों उन्हें बेच डालता था। वैसे यह व्यक्ति एक सारंगी वादक था, नाम था मियां जान। मियां जान को उस पर तरस आ गया। वह उसे किसी वेश्या के हवाले करने के बजाय अपने घर ले आया और लड़की की सहमति से उसे अपनी बीवी बनाकर घर में रख लिया। मियां जान से दलिया को 3 संतानें हुई, उनमें से एक की मृत्यु हो गई, बची रही 2। एक पुत्र जिसका नाम रखा गया जुलाई और एक पुत्री जिसका नाम रखा गया जद्दन। मियां जान ने अपनी बेटी जद्दन को गाना बजाना सिखाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार गाना बजाना सीखती हुई जद्दन 14 वर्ष की हो गई। उसी के साथ जुलाई ने तबला बजाना भी सीख लिया था। अब ये दोनों भाई और बहन हाट बाजारों में घूम फिरकर गाने बजाने का काम करने लगे। जुलाई तबला बजाता और जद्दन नाचती गाती। इसी से जो पैसा मिलता उसी से परिवार के 4 प्राणियों का पेट भरता। मियां जान अपनी बेटी के गाने के हुनर को जानते हुए उसे ऊंची तालीम दिलाने के लिए उसे लेकर कोलकाता पहुंचा और वहां मलिका जान को उसकी प्रतिभा के बारे में बताया।
मलिका जान की अंतरंग सहेली थी, भारत की प्रसिद्ध गायिका गौहर जान। गौहर ने जब जद्दन का गाना सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। उसकी प्रतिभा को देख परख कर गौहर ने उसे ठुमरी के सुप्रसिद्ध उस्ताद मौजुद्दीन खान साहब के हवाले कर दिया। खान साहब ने बड़ी लगन और मेहनत से जद्दन को बकायदा तालीम दी। उनके संगीत प्रभाव के प्रताप और अच्छी तालीम से वह ठुमरी की एक अच्छी गायिका के रूप में शोहरत पाने लगी। तालीम पूरी हो जाने और हर प्रकार की नोक पलक से दुरुस्त होने के बाद दलिया अपने साथ जद्दन को बनारस ले आई और बकायदा कोठे पर बैठाया। कोठे की जीनत बनते ही जद्दन ने जगमगाना शुरू कर दिया। उसकी गायिका की प्रसिद्धि सुगंध के समान फैलने लगी। इसी दरमियान जद्दन की शादी नरोत्तम दास खत्री से हुई, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाकर नाम रख लिया बच्ची बाबू। इनसे जद्दन को दो पुत्र हुए। अब इसे बदनसीबी कहे या कुछ और कि जद्दन की यह मोहब्बत स्थायी नहीं रही। एक दिन जद्दन को छोड़कर नरोत्तम दास खत्री ना मालूम कहाँ चला गया। जद्दन को विषम आर्थिक स्थितियों से जूझना पड़ा। हालात ने कुछ ऐसी सूरत भी दिखाई कि जद्दन ने कोलकाता त्याग देना ही बेहतर समझा और लखनऊ चली आई। जद्दन भाई को क्या पता था कि कोलकाता छोड़ना उनके दिल की सूनी बगिया में बाहर आने का भी कारण बन जाएगा। लखनऊ में खानदानी और प्रतिष्ठित रईस थे, जिनके कई सिनेमा हॉल वहां चलते थे। उनके सुपुत्र उत्तम चंदन मोहन लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहे थे और शीर्ष ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लंदन जाने की तैयारी में थे। जब मोहन बाबू की दृष्टि प्रथम बार जद्दन भाई पर पड़ी तो पहली नजर में प्यार हुआ। एक तवायफ के साथ रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मोहन बाबू को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके न मानने पर उन्हें घर से निकाल दिया। जद्दन भाई मोहन बाबू के साथ फिर कोलकाता आई और उनसे शादी कर ली। मोहन बाबू जद्दन भाई से उम्र में 2 वर्ष छोटे थे। मोहन बाबू और जद्दन भाई को लड़की हुई, नाम था फातिमा। लाड से दोनों उसे बेबी रानी कहते थे। वही आगे चलकर अभिनेत्री के रूप में नरगिस के नाम से लोकप्रिय हुई। ये नाम उनको रोटी, औरत, मनमोहन, मदर इंडिया जैसे अमर और लाजवाब फिल्मों के निर्देशक महबूब खान ने दिया। क्षमा पर निसार हुए किसी जान निसार परवाने की भांति मोहन बाबू आखिर तक जद्दन के प्रति समर्पित रहे और उन्हीं के साथ छाया के समान रहे। 1947-48 के लगभग उन्हें जद्दन भाई से सदैव के लिए अलग कर दिया। जद्दन भाई जब तक जीवित रहे सास सास में अपने मोहन की स्मृति संजोए रही। वह बात बात में उन्हीं का नाम लेती थी। जब भारत में बोलती फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ तो फिल्मों में काम करने और नाचने गाने वालों के भाग्य खुल गए। मगर रोचक बात यह, सिनेमा में काम करना अमूमन अब भी अच्छा नहीं समझा जाता था। और तो और तवायफ भी सिनेमा में कार्य करना अपने पेशे से भी ज्यादा अपमानजनक और गिरा हुआ काम मानती थी। लाहौर में एक बड़े उद्यमी और फिल्म व्यवसायी हकीम राम प्रसाद जब राजा गोपीचंद बना रहे थे, तब वे जद्दन भाई की तारीफें और चर्चाएं सुन चुके थे और उन्होंने जद्दन भाई को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने को ठान लिया। पहले तो जद्दन भाई ने मना किया, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद वह तैयार हो गई और इस फिल्म में काम करने के लिए लाहौर चली गई। फिल्म बनी और सफल रही। फिल्म के हीरो थे हरीश चंद्र बाली, जो बाद में संगीतकार के रूप में स्थापित हो गए। लाहौर में कुछ ही दिन रह पाई थी कि निर्माता निर्देशक राम दरियानी उन्हें मुंबई ले आए। मुंबई आने के बाद जद्दन भाई इंसान या शैतान फिल्म में हीरोइन बनी। यह फिल्म आरदेशीर ईरानी के इंपीरियल स्टूडियो में बनी थी, जिसके निर्देशक थे राम दरियानी। इस फिल्म की सफलता ने जद्दन भाई की जीवन दिशा हमेशा के लिए फिल्मों की ओर मोड़ दी और उन्होंने संगीत फिल्म कंपनी नाम से अपनी एक फिल्म निर्माण कंपनी खोली। जब जद्दन भाई रजत पट पर बतौर हीरोइन जगमगाने लगी तो उन्हें लेकर सागर मूवी टोड ने डांसिंग गर्ल नामक फिल्म बनाई, जिसके हीरो याकूब थे।
जो आगे चलकर हास्य कलाकार और चरित्र अभिनेता के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। इस फिल्म की सह नायिका स्वरूप रानी थी, जो मुंबई स्थित खुशनुमा महल में ही जद्दन के पड़ोस में रहती थी। यह फिल्म भी हिट रही थी। जद्दन बाई ने अपनी फिल्म कंपनी के बैनर तले जो पहली फिल्म बनाई वह तलाशी हक। यह सन 1945 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की हीरोइन गायिका, संगीतकार, निर्देशिका और कहानी लेखिका अर्थात सभी कुछ वह खुद थी। उनके साथ हीरो फिर याकूब थे और जद्दन ने दोनों पुत्र अख्तर और अनवर के साथ बेबी रानी भी थी, जिसने बाल कलाकार के रूप में पहली बार कैमरे का सामना किया था। वैश्या जीवन और उसकी त्रासदी को लेकर बनाई गई इस फिल्म में एक वैश्या अपने हक और सच्चाई की तलाश करती है। इसके बाद उन्होंने मॉडर्न फैशन, जीवन स्वरूप और मोती का हार जैसी फिल्में बनाई। जीवन स्वरूप की कहानी तो खुद जद्दन की अपनी जीवन कथा पर आधारित थी। इसमें मोहन बाबू ने भी काम किया था। तवायफों की जिंदगी पर आधारित जद्दन द्वारा निर्मित एक और फिल्म दरोगा जी, लेकिन जद्दन ने बड़ी लगन से और मेहनत और बेहद चाव से अपनी संघर्ष भरी जिंदगी में जद्दन बाई ने अपनी सबसे लाडली संतान को दिन रात एक करके बड़े चाव और जतन से प्रतिभा संपन्न और काबिल बनाया और फिल्मी दुनिया में एक लाजवाब नमूना बनाकर पेश किया। लेकिन उसी लाडली बेबी रानी उर्फ अभिनेत्री नरगिस के कारण उन्हें सबसे अधिक मानसिक पीड़ा भी पहुंची। इस मानसिक पीड़ा का मुख्य कारण था राज कपूर से नरगिस का रोमांस। बेटी नरगिस के अलावा अपने दोनों बेटों से भी जद्दन बाई को कुछ ज्यादा सुख नहीं मिला। इस प्रकार वह महिला जो बदनसीबी के साथ जन्मी, गरीबी के मार से जिसने कोठों में नाच गाकर अपना पेट पाला, परिजनों का सहारा बनी, कोठे की जीनत बनकर ऐसी चमकी कि दिलों के साथ साथ शोहरत और दौलत ने उसके कदम चूमे। उसने गायन के क्षेत्र में ऐसा नाम पैदा किया कि लोग आज तक उसकी गाय ठोकरी नहीं भूले हैं। फिल्म जगत में प्रवेश किया तो निर्माता, निर्देशक, लेखिका, संगीतकार और हीरोइन तक रही। इससे कहीं अधिक अपनी बुद्धि विवेक के कारण न्यायाधीश और कमांडर जैसा ओहदा पाकर सिर आंखों पर बिठाई जाती रही। वही महिला जिंदगी की शाम में अपनी ही खून यानी अपनी ही औलादों के द्वारा ठुकराई जाकर दुख पाती रही। जद्दन बाई के जीवन का संध्या काल विषाद, हताशा, दुख, संताप और पीड़ाओं से घने कोहरे में ढका रहा और उसी घुटन भरे कोहरे के अंधकार में 8 अप्रैल 1949 को उनका जीवन दीप बुझा। आज जद्दन बाई को लोगों ने लगभग भुला दिया है। उनकी बनाई फिल्मों, उनके संगीत, उनकी गाई चीजें किसी को याद नहीं। हालांकि आज फिल्मों में अनेक पढ़ी लिखी और तेज तरार अभिनेत्रियां हैं, मगर जो बात जद्दन में थी वो अब कहां। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।